पार्टी के लोग जो हैं कार्यकर्ता जो हैं मजबूती के साथ जो है राहत में लगे रहे, जो भी राहत की सामग्री जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंतजाम कर सकते थे हम लोगों ने किया। और ये बाढ़ के पानी जो आप कह रही बाढ़ नहीं है, हम आपसे फिर से निवेदन करेंगे, ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। ये जल जमाव जो है ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण सरकार के भ्रष्टाचार के द्वारा ही आया हुआ है। और जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनको थोड़ा एक साल पहले जाकर के देखना चाहिए कि एक साल पहले भी पटना के कई कॉलोनियों में पानी आया था जिसमें हम गए थे, उस समय भी हमने सरकार को चेताने का काम किया, उस पानी में कमर तक पानी आई हुई थी, लोगों के घर तक घुसा हुआ था कि कहाँ है ड्रेनेज की व्यवस्था, कहाँ है नगर निगम का काम, कहाँ है बिहार सरकार का प्रशासन। तो उस समय सरकार के लोग सचेत नहीं हुए, अभी और कॉलोनियों में पानी भरा, ऐसा पानी जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इस मौके पर सरकार के पास कहाँ है, ना नक्शा है ड्रेनेज सिस्टम का, ना सम्प हाउस काम कर रहा है, ना पंप काम कर रहा है, पूरे तरीके से जो है पूरी सिस्टम कोलैप्स कर गई। लोग जो है त्राहिमाम करते रहे। आप जिला प्रशासन से पूछिए आरडीडी को कितना नाम मिला, आप जाके सरकार से पूछिए कि हम लोगों के गाँव की व्यवस्था। हम लोग देखिए चेहरा चमकाने की राजनीति नहीं करते हैं। जो लोग चेहरा चमकाने की राजनीति करते थे, सुशील मोदी जब वो उप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, जब वो नेता विरोधी दल में हैं तो भूख हड़ताल करते थे, भूख हड़ताल करते थे। आज क्या उप मुख्यमंत्री होते हुए उनको एनडीआरएफ की टीम बाहर निकालने का काम कर रही है। तो वैसा चेहरा चमकाने की राजनीति हम लोगों से संभव नहीं। हम लोग बड़ी गंभीरता से हर एक चीज़ों को देखने का काम किए और पार्टी के सभी वर्कर जहाँ जो बल जो हो सका उन्होंने हर संभव मदद पीड़ितों तक पहुँचाने का काम किया।